सिमरिया पुल के नीचे ले जाकर ऐसा गाना मारेंगे मॉर्निंग तक दर्द होगा। ये डायलॉग बहुत ही वायरल। क्या कर रहे हैं मुखिया जी, थोड़ा धीरे चिल्लाइए, अभी 11 घंटा और मारना है। घबराइए नहीं, गार नहीं मारेंगे। माधरचोद सब बिजली जलाकर घोपा घोपी करता है और बिजली बिल नहीं भरता है। माधरचोद सब लाइट जला जलाकर घोपा घोपी करता है और बिजली बिल भरने के लिए नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और हमारी नई वीडियो में। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिले में और आप इनको पहचानते होंगे और फिर जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी इनका वीडियो जो है वायरल हो रहा है कॉमेडी में। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है भी आपको हमारे चैनल में। स्वागत है आप सभी के माध्यम से, जो दर्शक देखेंगे उनको बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम है रमेश सहनी जी। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे कहें हम यहाँ पर मुजफ्फरपुर जिला में, तो आप यहीं के रहने वाले या फिर कहीं और का? नहीं नहीं, मेरा प्रॉपर्टी घर मेरा जन्म धरती यहीं पर है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा भैया आप कब से वीडियो बना रहे हो और वीडियो बनाने का क्या मकसद है? मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 6-7-8 साल से। 6-7 साल से? हाँ, और मकसद कुछ नहीं है, मकसद बस वही होता है, वायरल होना होता है, लोगों का एंटरटेनमेंट करना, और एंटरटेनमेंट करना होता है और अपना भी थोड़ा सा इनकम देखना पड़ता है इसके लिए। अच्छा तो 7-8 साल से वीडियो बनाते थे, लेकिन हाल ही में आपका वीडियो वायरल होने लगा? नहीं उतना दिन से पहले मेरा कभी वायरल नहीं हुआ है, लेकिन सारा मेहनत बार बार मतलब कि डिसपॉइंट हो जा रहा था, लेकिन इस बार नहीं, ऊपर वाला ने जी। तो मतलब शुरू से क्या बना रहे, कॉमेडी बना रहे या फिर कुछ और बना रहे? शुरू से मैं पहले एक चैनल था मेरे पास में, 3-4 लाख सब्सक्राइबर थे उस पर, तो मैं वो उस पर शॉर्ट्स फिल्म बनाता था इमोशनल टाइप का। अच्छा। लेकिन वो वायरल हुआ था, 30-40 मिलियन जाता था व्यूज, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स ही कोई आदमी पहचानता तक नहीं था उस चैनल से, उसको छोड़ दिया उसको। अच्छा। फिर न्यू ट्रेंड जैसे जैसे बढ़ा बिहार में, तो वैसे हम भी उसमें बढ़ गए। अच्छा, तो अभी फिलहाल में अभी सबसे पहले जो आपका वीडियो जो वायरल हुआ वो कौन सा कॉमेडी था? सबसे पहले मेरा वायरल हुआ 2021 में फेसबुक पर बिजली चोर। अच्छा। और शौचालय। अच्छा। इसके बाद मेरा हर वीडियो मतलब कि यूट्यूब पर तो नहीं वायरल, फेसबुक हाँ FB पर सारा वीडियो मेरा वायरल जा रहा था, टोटल वीडियो। ऐसा कोई वीडियो नहीं है मेरा जो फेसबुक वायरल नहीं हुआ है। और सबसे धमाल मचाने वाला वीडियो मेरा ये वाला वीडियो, कैमरामैन था, काफ़ी इसका 2 बिलियन यानी 2 अरब व्यू आया था सिर्फ फेसबुक। 2 मिलियन नहीं, बिलियन 2 बिलियन। हाँ, मतलब कितना लाख लोगों ने देखा था? 2 अरब। 2 अरब? हाँ। 2 अरब, बाप रे, इतना लोगों ने देखा था, बहुत काफ़ी वायरल हुआ था। और ये वीडियो मतलब हिंदी लैंग्वेज में था, तो इसके वजह से भी और ऑडियंस का यहाँ पे प्यार मिला था। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए आपकी कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या कितना पढ़ाई लिखाई की है? क्वालिफिकेशन मेरा अभी मैं इंटर में हूँ फिलहाल में अभी। अच्छा, अभी पढ़ाई चल ही रहा है? अभी चल ही रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए आपका वीडियो में जो है थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मतलब गाली होता है, मतलब क्या कारण है? क्या गाली कारण कुछ भी नहीं है, बस वो मतलब कि रहता है मज़े के लिए और कुछ नहीं। अच्छा। उसका कारण क्या होगा, मैं किसी को गलत थोड़ी बता रहा हूँ कि आप भी गाली दो। जैसे कोई मूवी देखता है लोग देख के भूल जाते हैं, उसी तरह मेरा गाली सुन के लोग भूल जाते हैं हंस उसके, बस इसी मतलब कहने का मतलब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए रहता है। हाँ बस वही समझ लीजिए, इंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ ऐसा तो मैं समाज में मेरा कोई गंदगी फैलाना ऐसा कोई बात नहीं है जी। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा कौन सा ऐसा डायलॉग है जो कि बहुत फेमस है आपका, कोई ऐसा डायलॉग है जो कि हमारे दर्शकों को सुना दीजिए? डायलॉग थोड़ा सा लेंगे, वर्क लेसन टाइप का डायलॉग है, तो मैं ये मैं वीडियो में ये जब भी कोई भी पॉडकास्ट में ये मैं नहीं बताता हूँ इसके डायलॉग के बारे में, लेकिन छोटी मोटी डायलॉग उतना याद नहीं रहता है मेरे को। कोई ऐसा बोलिए जो कि है ना कोई वो ना हो, कोई वायलेशन ना हो। ओके ओके, मैं कैमरा के डायलॉग बोल रहा हूँ जो काफ़ी क्लिप मेरा वायरल था। एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा कैमरा को देखिएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, थोड़ा कैमरा को देखिएगा। ये वाला क्लिप मेरा बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, मतलब कि एक एक वीडियो पर 1.5 मिलियन लाइक मिल रहा था उस पर, ठीक है, और 100-200 मिलियन जा रहा था एक क्लिप। अच्छा तो ये आपका कॉमेडी वीडियो जो है लगभग 10-15 मिनट का शायद होता है, कितना मिनट का होता है? अब पहले तो मैं एक बहुत शॉर्ट्स करता था 5-6 मिनट के, लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो मतलब कि 15 मिनट प्लस ही रहती है अभी फिलहाल में, 15 मिनट 10 मिनट मान लीजिए अब 10-20 मिनट के बीच में रहता है। तो अच्छा ये बताइए ये जो कॉमेडी आपका कितना समय लगता है आपको ये वीडियो बनाने में? पहले तो मैं 2-3-4 दिन में बना दिया करता था, लेकिन अब मुझे मतलब 1-1 महीना बनाने में लगता है। ऐसे मैं समूह वाला 1 महीना में 15 दिन शूट करने में लगे थे, फिर 15 दिन एडिटिंग करने में लगे थे, फिर इधर उधर देखना पड़ रहा था, फिर 1.5 महीना बाद वीडियो आया। ये सारे चीज़ मायने जो है कौन करता है, आप खुद से करते हैं या फिर और भी कोई टीम है आपका एडिटिंग से लेकर, ये कौन लिखता है, ये सब पूरा सभी टीम वर्क काम मिलकर करते हैं। लेकिन ज़्यादातर काम में हाथ में रहता है, क्योंकि गाइड करना एक गाइडर चाहिए होता है। स्क्रिप्ट कौन लिखता है? स्क्रिप्ट मतलब पूरा टीम मिलकर लिखते हैं, सारे लोग मिलकर लिखते हैं ना। आपके टीम में कितने लोग हैं?
टीम में मेरा 11-12 लोग हैं। 11-12 लोग हैं जो कि पूरा एकदम परफेक्ट टीम है ना? हाँ परफेक्ट टीम है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है शुरू से। अच्छा अभी एक जो कॉमेडी आया हाल ही में आया, क्या नाम है? लोन, समूह लोन, समूह लोन में नाम है। तो उसमें जो देखा गया है कि काफी लड़कियां हैं, लेडीज लोग है ना, तो ये जो है लोन वाला जो है कॉमेडी वीडियो बनाने का क्या मकसद है और गाँव में बिहार में क्या दिखाना चाहते हैं? मैं बिहार की बात तो दूर की है, मतलब कि मैं पूरे भारत में को दिखाना चाहता था कि एक लोन के वजह से लोग फंस जाते हैं, ठीक है, और लोन के वजह से लोग फंसते जा रहे हैं, मतलब कि एक लोन ख़त्म नहीं होता है कि दूसरा लोग उठा लेते हैं, उसमें फंसे रहते हैं, कमाते रहते हैं उसमें, मतलब कि एक रुपया का मतलब कि कभी सेविंग नहीं कर पाते हैं, आज कमाते फिर अगला सप्ताह भरना है, 10-10 लोन करना होता है। इसमें मेरा गाली वाली भी है उसमें, लेकिन ये सब वो एक कॉमेडी के लिए था, लेकिन इसमें ज़्यादातर मैं जो समाज में जो घटना होता है रियल मैंने वही दिखाया है। अब लोग कुछ कमेंट भी करते हैं ये ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है। आप किसी के गांव में नहीं होता तो वो बोल सकते नहीं, जहां होता है वो उनको तो नहीं पता होगा। नहीं, नहीं, क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है? बहुत सारे चीज़ें जैसे कि पब्लिक के साथ में, मतलब कि लोन लेने वाला के साथ में, सिर्फ मैं ग्रुप लोन के बारे में बात कर रहा हूं। जैसा कि नहीं वो तो होता है क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी आ रहा है कि अगर लोन नहीं भरते हैं तो फिर बेड शेयर कीजिए। हाँ ये वैसा भर्ती में मैं अपना गाँव में छोड़िए मैं 3-4 गाँव में देख चुका हूँ अपना आँखों से, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता हूँ, जो रियल है वो रियल है। और न्यूज में भी आया था कि एक लड़की जो है लेडीज जो है बता रही थी कि पैसा नहीं भर पाए तो हमारे साथ मतलब इस तरीके से बोला जा रहा है, वही देख करके जो है आप कॉमेडी बनाए नहीं? हाँ यस ऐसे बिल्कुल सही बात। अच्छा इसको बनाने में कितना समय लगा? 1 महीना। इसको बनाने में 1 महीना पूरा समय लगा हमको। अच्छा गाना गाने भी आता आपको? क्या चीज? गाना गाने आता है? गाना गाने अब हमको उतना नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर आएगा तो मैं कभी गा सकता हूँ। थोड़ा सा आपका जो कॉमेडी में जो डायलॉग रहता है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। एक वीडियो मेरा आया था शराब छपा मारी, वो मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो वायरल है, उसमें एक डायलॉग है मतलब कि सिमरिया पुल के नीचे ले जाकर ऐसा गाना मारेंगे मॉर्निंग तक दर्द होगा। ये डायलॉग बहुत ही वायरल डायलॉग था और बहुत ही काफ़ी डायलॉग, मतलब कि इतना डायलॉग वायरल था कि लोग के जहन में बस गया था। और एक और डायलॉग था मेरा बिजली चोर का, माधर चोर सब बिजली चला कर घोपा घोपी करता और बिजली नहीं भरता है। सही बात है, थोड़ा सा हंसी आ रहा है बोलने पर, इसके साथ ख़राब भी होगा, इसलिए सॉरी चाहता हूँ आप सभी से। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए पहले आपका गाँव में जैसा इज्जत था अभी भी ऐसा या फिर बढ़ा है? नहीं मतलब बिल्कुल बचपन से सिमिलर है, मतलब कि ना तो कभी बढ़ा है ना कभी घटा है, मतलब कि ना तो कोई कभी लोग बोले कि हाँ भाई तुम ये कर रहा है गलत है सही है, ये कभी किसी ने बोला ही नहीं हमको, कभी कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बस जैसे गांव में एक नॉर्मल बंदा रहता है वैसे मैं रहता हूँ। अच्छा शादी हो गया? नहीं शादी अभी नहीं हुआ। कब तक करने का विचार? आप तो वायरल हो गए, कई लाख करोड़ लोग जो है आपको पहचान गए। नहीं नहीं अभी हम वायरल नहीं हुए हैं, अगर वायरल होते तो अभी आज सेलिब्रिटी रहते, लेकिन मैं वो कोशिश कर रहा हूँ अभी वायरल होने का। करोड़ों लोग आपको जानने लगे, अब तो वायरल हो गए ना? ये उन सब का प्यार है, जो लोग जानते हैं उनका आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि ये प्यार हमेशा बना रहे बस। अच्छा क्या लगता है सोशल मीडिया पे फ्यूचर है? फ्यूचर बहुत यहाँ पे तगड़ा है, लेकिन उसके साथ में मेहनत अपना दम मेहनत में दम रखना चाहिए। जो भी क्रिएटर है वो अपना मेहनत में दम रखेंगे तो फ्यूचर है इसमें। अगर कोई व्यक्ति मेहनत पे दम नहीं रखते हैं तो कभी गिर भी सकते हैं, कभी ऊपर उठ भी सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जब बंदा गिरता है तो उसको वो डिप्रेशन में आकर छोड़ देता है काम, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। हमने भी 8-9 साल से, जैसे कि मैं पहले बोला था 8-9 साल से कर रहा हूँ, तो मैं 2-3 बार गिर भी गया था, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मुझे यही काम के लिए मैं प्रॉपर्ली बना होता है करूँगा जरूर। अच्छा तो मतलब फिर भी कहाँ से आपका हिम्मत आया, क्योंकि लोग जो है साल भर 6 महीना करके छोड़ देता है अधिकतर है ना, लेकिन फिर भी आप में जुनून रहा कि लगभग 7-8 साल तक लगातार लगे रहे तब जाके सफलता मिला आपको? ये जुनून कहीं का नहीं है, बस ये जुनून अपने आप में आप पब्लिक को रहनी चाहिए, ताकि जुनून एक अलग किस्म का होना चाहिए, ताकि मैं उस काम को कर ही सकूँ, आखिर करूँगा ही, ये नहीं कि नहीं हुआ तो छोड़ तो नहीं, करूँगा ही जुनून। और ये सब देन है हमारा पूरा टीम वर्क का, जो सभी आदमी मिलकर काम करते हैं बहुत अच्छे तरीका से। अच्छा आप अपने क्या बोलते हैं अपने लेवल में किसको आइडियल मानते, किसको गुरु मानते, किसको दे करके स्टार्ट किए कॉमेडी? मैंने फिल्मों के देख के स्टार्ट किया था, मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं किसी यूट्यूबर को देख के मैं मतलब कि आइडियल नहीं मानता हूँ, मैं फिल्मों के देख कर ये सब करने लगा हूँ बस। अच्छा ये सब दिमाग में कहाँ से आता है जो कॉमेडी करते हैं कि लोग जो है देख करके हंसने पर मजबूर हो जाता है, ये स्क्रिप्ट जो है खुटपाती जो दिमाग कहाँ से आता है? ये सब रियल घटना होता है, जैसे कि मैं गांव में अभी जा रहा हूँ, एक साइकिल से बंदा जा रहा है, वो कुछ कर देता है ऐसा ताकि लोग उससे देखकर अटेंशन में आ जाता है, ठीक है, तो मैं उसको एब्जॉर्ब करता हूँ, मैं देखता हूँ
जब घूमता हूँ तो देखता हूँ कि लोग में क्या चल रहा है समाज में, कैसे लोग कर रहा है, मतलब कि सिटी में क्या कर रहा है लोग, देहात में क्या कर रहा है, तो ये सब देख कर बनाना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा, बाकी दोस्तों क्या कहना है इनके इंटरव्यू के बारे में आप सभी लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो भाई चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इतना देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत